आज हमारे गेस्ट हैं फहीम अशरफ। दोस्त कप्तान हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ कि एज ए प्लेयर आप पे बढ़ जाती है। जब हम होटल आते हैं तो हम आके फिर अपनी दोस्ती निकालते हैं कि हाँ भाई तू अब बता, तूने हमारे साथ ये किया था वो किया था। जो टॉस जीतता है वो मैच भी जीत जाता है। मोहम्मद आसिफ को मैं बड़ा फॉलो करता था, उनकी जो स्विंग थी ना मैं उनका बहुत फैन था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के हवाले से स्पेशल शोज हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट हैं फहीम अशरफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर, जिन्होंने पाकिस्तान टीम में भी कमबैक करने के बाद अच्छा परफॉर्म किया है। पीएसएल के दो मैचों में गो के बहुत ज्यादा नुमाया परफॉर्मेंस तो उनकी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए बैटिंग में भी। तो उनसे बातचीत करेंगे उनकी टीम के हवाले से, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और आगे के क्या इरादे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फहीम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पीएसएल में माशाल्लाह अच्छा आगाज करने में कामयाब रही है, दोनों मैचेस जीते हैं उसने, तो जरा बताइए इन मैचेस के बारे में कुछ। बड़े खुश होंगे आप भी। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले ही दो मैच जीत चुकी है। टीम का मोराल काफी बुलंद है। टीम आप देख रहे होंगे कि टीम का हमारी यंग टीम है तो काफी जान लगा के खेलते हैं ग्राउंड में। खासतौर पर जो कराची किंग्स के खिलाफ मैच हुआ, बहुत बड़ा टारगेट आ गया था और एक वक्त तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन फिर टीम आपकी मैच जीत गई। वो चेस के बारे में बताइए मेरे कुछ। चेस के बारे, कराची की पिचेस ऐसी होती हैं और नाइट में तो स्पेशली पाकिस्तान में अगर 190 तक भी हो तो अगर आप विकेट इन हैंड हो और आप जो है वो अपना रन रेट जो है जो रिक्वायर्ड रेट है उसके मुताबिक चलते रहे तो आपको मुश्किल नहीं है। तो हमारी टीम ने भी यही किया, जो रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक खेलते रहे हैं। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा था, कप्तान ने बड़ा अच्छा गाइड किया हुआ था कि किसी किस्म पे भी किसी जगह भी पैनिक नहीं होना, जो खेलना आता है वैसे ही खेलना है। शादाब का आपने जिक्र किया कैप्टन का, कि उन्होंने कहा था पैनिक नहीं होना, बड़े यंग एज में उन्होंने कैप्टनसी संभाली है, पाकिस्तान की भी क्यादत की इधर पीएसएल में भी, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि कैसा महसूस होता है उनके साथ खेल के और कायदाना सलाहियतों के बारे में उनको बताइए। कायदाना सलाहियतों के तो ज्यादा आप ही बता सकते हैं, आप लोग देख रहे होते हैं। हम लोग तो मतलब मैं तो ऐसे अगर प्लेयर या मैं दोस्त बात करूंगा मैं तो हमेशा ही उसकी तारीफ करूंगा क्योंकि मैं तो उसका दोस्त हूँ। मैं तो उसकी कैप्टनसी की भी बात बड़ी तारीफ करूंगा, लेकिन ये तो आप लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता ही है कि वो कितनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर हो गए थे तो ज्यादा आपको पता चलता होगा। खैर, अब आपने कहा जैसे वो आपके दोस्त हैं, तो एक दोस्त जब कप्तान हो तो उसका फायदा होता है या नुकसान होता है? दोस्त कप्तान हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ कि एज ए प्लेयर आप पे बढ़ जाती है। आपको ये होता है कि दो चीजें आपको होती हैं कि कोई मेरे दोस्त को बात ना कर दे मेरी वजह से, और दूसरी ये है कि कोई ये ना हमारी दोस्ती ना ग्राउंड में ले आए कि ये दोस्त है इसलिए ऐसे। इसका थोड़ा सा होता है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि ग्राउंड में हमारी दोस्ती ना हो, ग्राउंड के बाद जब बाहर होते हैं तो हमारी दोस्ती वैसी होती है। ग्राउंड में वैसे आपने देखा भी होगा कि ऑन द फील्ड इतना हम वो वैसे नहीं होते कि जैसा हम आउट द फील्ड होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी किसी बात पे शायद आपको बुरा लगे, वो कुछ डांट दे या कुछ बोल दे और बाद में फिर मिले आप लोग तो बोले यार तू तो बड़ा गुस्सा दिखा रहा था। आज ग्राउंड में आपने देखा होगा हमें डांट देते, लेकिन उस टाइम हम रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारा उस टाइम कप्तान होता, दोस्त नहीं होता। उसके अलावा जब हम होटल आते हैं तो हम आके फिर अपनी दोस्ती निकालते हैं कि हाँ भाई तू अब बता, तूने हमारे साथ ये किया था वो किया था, वो तो फिर दोस्तों में चलता रहता है। लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई उस पर रिएक्ट करते हैं या कुछ बुरा मनाते हैं, क्योंकि वो टीम के लिए कर रहा होता जो भी करते हैं। आपके एक और दोस्त हसन अली, वो भी अब आपके साथ आ गए होंगे, उनके आने से भी फायदा होगा। जी बिल्कुल, दोस्त इकट्ठे हों और फिर मतलब आप डिस्कस करते रहते हैं टीम के बारे, आपकी दोस्ती होती है एक जगह पे, लेकिन सबसे पहले टीम होती है। तो ये जितने भी हमारे लड़के हैं सारे टीम के लिए सबसे पहले वो टीम को रखते हैं, फिर दोस्ती रखते हैं हम लोग। जैसे कि आपने खुद बताया कि यंग टीम है आपकी और T20 को कहा भी जाता है कि यंगस्टर्स का गेम है, तो इसका किस हद तक फायदा हो रहा है आप लोगों को? फायदा तो होता है, यंगस्टर होते हैं क्योंकि यंगस्टर जो होते हैं वो आपकी टीम की जान होते हैं, वो आपकी टीम को गिरने नहीं देते। एक टाइम आता है लेकिन यंगस्टर्स की जो एनर्जी होती है वो टीम को बड़ा बूस्ट अप करती है। लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने
अच्छा आगाज लिया है, तो क्या वजूहत आपके जहन में थी, आपको समझ आए कि यार इस वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और अब वो चीजें नहीं कर रहे तो अच्छा खेल रहा है? लास्ट ईयर भी टीम हमारी टीम जो एज ए टीम बड़ा अच्छा खेली थी, लेकिन हमने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से हम टूर्नामेंट से आउट हो गए थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो लास्ट ईयर हमने गलतियां की थी उन गलतियों को इस साल जो है वो ना दोहराएं, लेकिन बस यही कोशिश है कि जो पिछले साल गलतियां थी उनको ना दोहराएं और जितना अच्छा हो सकता है, जितना 100% दे सकते हैं वो अपनी टीम के लिए दें। तो क्या कहां तक जाते देख रहे हैं इस दफा टीम को आप? टीम को अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभी तो 2 मैचेस हुए हैं, ये तो हाफ वे जब गुजर जाएगा फिर ही पता चलेगा कि टीम कहां पे स्टैंड कर रही है। अब तक के मैचों में ऐसा नजर आया है कि बिल्कुल बैट्समैनों के लिए सारा कुछ गेम चल रहा है और जो टॉस जीतता है वो मैच भी जीत जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, टॉस तो किसी के भी हाथ में नहीं होता। मैं कहता हूँ T20 में जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है, टॉस करता है लेकिन मतलब कि इधर आपने देखा होगा टॉस पे ही ज्यादा हो रहा है कि जो सेकंड बारी कर रही है वो जीत रही है, लेकिन जो टीम कम गलतियां करेगी, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। आप अपने बारे में बताएं, आपने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान टीम की तरफ से और अच्छा परफॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं, तो जो फर्क आया आपकी कारकर्दगी में, तो इसका क्रेडिट किस चीज को देंगे आप? क्रेडिट मैं इस चीज का, मेहनत ही है कि इंसान जितनी मेहनत कर सकता है उसका अल्लाह ताला उसको फल जरूर देती है। अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आज अगर उसका फल नहीं मिलता, मुझे कल या परसों या कुछ महीनों बाद साल बाद उसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत है, आप जितनी मेहनत कर लें वो आपके लिए फायदेमंद ही रहती है। एक चीज नजर आ रही है कि जैसे आप हैं तो ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग में आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। न्यूजीलैंड में आपने इनिंग खेली थी माउंट बॉन्गन में 91 की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने अच्छी इनिंग खेली और यहाँ PSL में भी मुख्तसर लेकिन कारामद इनिंग खेली, तो क्या ऐसा हो रहा है कि अब आप बैट्समैन के तौर पर, स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर चेंज हो रहे हैं या आप अभी भी अपने आप को ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं? बॉलिंग आपकी अच्छी लेकिन विकेट शायद कम मिल गया। नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्रिकेट मैंने जब से स्टार्ट की है मैं पहले बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग का शुरू से ही शौक है, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी बॉलिंग की होती है। मैं टीम में आया था तभी मेरी प्रायोरिटी बॉलिंग ही थी, देन बैटिंग थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस पहले था कि अलमिया परफॉर्मेंस बॉलिंग में करवा रहे थे, बैटिंग में नहीं थे और सब यही कहते थे कि बॉलर है बैट्समैन नहीं है, तो अब मतलब बैटिंग पे काम किया है, ये नहीं है कि मैं बॉलिंग पे काम नहीं कर रहा, बॉलिंग पे भी काम साथ करता हूँ अपनी, वही उतने टाइम बॉलिंग को भी देता हूँ, लेकिन जो नसीब में अभी बैटिंग में वैसे परफॉर्म हो रहा है, बॉलिंग में वैसे नहीं हो रहा, तो सब यही समझ रहे हैं कि मेरा बैटिंग पे ध्यान जा रहा है। मेरी ऐसी कोई भी टेंशन या कोई ऐसी नहीं है कि मैं बैटिंग अपनी फर्स्ट कर लूँ या बॉलिंग सेकंड कर लूँ, मेरी कोशिश अभी भी वही है कि मैं एज ए बॉलर पहले टीम में सिलेक्ट हूँ और फिर बाद में जो मेरा प्लस पॉइंट बैटिंग उसको टीम देख के मुझे खिलाए। तो बॉलिंग के हवाले से जैसे आपने पहले भी, मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह पढ़े थे, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार खुद बता दें कि किस तरह आप बॉलिंग में आए और किसको आपने अपना आइडियल बनाया? पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मोहम्मद आसिफ था, आसिफ के साथ आमिर आ गया था, मोहम्मद आमिर, उमर गुल, इनको देख के तो कोई भी लड़का इनका फैन हो जाता है। अगर इनकी वीडियो देखें, इनके मैच निकालें, अभी भी आप निकालें तो आप कहते हैं यार काश कि मैं भी ऐसी बॉलिंग कर सकता। मोहम्मद आसिफ को मैं बड़ा फॉलो करता था, उनकी जो स्विंग थी ना, मैं उनका बहुत फैन था, लेकिन उसके बाद बाय द टाइम गुली भाई की जो यॉर्कर, उनका भी बड़ा फैन रहा हूँ। वो बड़े आइडियल रहते हैं आपकी जो आप देखते हैं जो टीवी पे, तो जो टीवी पे देखते हैं मोस्टली आप उसी उन्हीं को ही पसंद करते हैं क्योंकि आप ज्यादा टाइम उनको ही देख रहे होते हैं। बैटिंग में जो आपकी बेहतरी नजर आ रही है, एकदम काफी जबरदस्त आपकी बैटिंग हो गई, पहले भी अच्छी थी लेकिन अब ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, तो कोई खास ऐसी चीज आपने की, किसी ने मशवरे दिया आपको, या जैसे आपने कहा मेहनत आप कर रहे थे उसका आपको सिला मिल रहा है? जी ऐसे ही है कि आपको मतलब अगर कुछ नहीं करते आप भी देख लें, अगर आप भी कुछ गलत करेंगे आपको, आपके भी चाहने वाले आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे मेरे साथ था, कोचिंग स्टाफ भी था NCA का भी और टीम पाकिस्तान टीम का भी, और उसके अलावा भी बड़े हमारे कोचिज हैं या मेरे छोटा भाई या मेरे दोस्त हैं, जहाँ पे कुछ गलत करता हूँ वो जरूर मैसेज करते हैं कि ये गलत कर रहा है ये चीज़ ठीक कर ले। कोचिंग स्टाफ की बात कर ले तो जब टीम के साथ मैं रहा हूँ खेला नहीं, लेकिन वो बताते जरूर थे कि ये छोटी छोटी आपकी टेक्निक का मसला है वो ठीक कर ले, तो उसी पे काम करते रहो। बस मैं कहता हूँ कि वो जो छोटी सी टेक्निक का एक जो फर्क पड़ा ना, उससे ही काफी क्रिकेट में फर्क आया। सही।
तो अब एज अ ऑलराउंडर हम देखेंगे कि फहीम अशरफ आगे के दिनों में और कामयाबियां हासिल करेंगे। तो जहन में सोचा है कि जी एक जमाने में एक टाइम आएगा मेरा भी कि मैं वसीम अकरम की तरह का ऑलराउंडर बनूंगा या अजहर महमूद जिस तरह होते थे, अब्दुल रजाक होते थे, शाहिद अफरीदी बैटिंग बॉलिंग दोनों में कामयाब साबित होते थे। देखें जी, उनके जैसा तो मैं नहीं खुद को कह सकता क्योंकि वसीम अकरम एक ही था, अजहर महमूद एक ही था, अब्दुल रजाक एक ही था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका नाम तो नहीं लेकिन अपनी पहचान जरूर बनाऊं कि मैं फहीम अशरफ के नाम से ही पहचाना जाऊं आने वाले वक्तों में, कि दुनिया ये बोले कि फहीम अशरफ था। जी चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत दी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो फहीम अशरफ की गुफ्तगू आपने सुनी, वो बतौर ऑलराउंडर बड़े खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ बैट्समैन ही नहीं है बल्कि बॉलिंग में भी चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें और उन्हें याद रखा जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्हें इस सीजन में पीएसएल के बेहतरीन परफॉर्मेंस की तवक्को है। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज़।